तो जय हो नीम करौली बाबा की। तो आप सभी लोग पहले नीम करौली बाबा के दर्शन करो, इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी। आपने प्रभास, रजनीकांत, अक्षय कुमार और शाहरुख खान को एक्शन करते हुए देखा होगा, और एक बंदा है जिसे एक्शन का बाबा बोलते हैं, और एक जमाना था कि सिर्फ उसके नाम से ही फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। बॉलीवुड का द रियल टाइगर सलमान खान, जिसके नाम से ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कांपने लगते थे। लेकिन फिर भाई ने फैंस के प्यार को हल्के में ले लिया, जिसके बाद भाई ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई, किसी का भाई किसी की जान। फिर वही हुआ जिस बात का डर था, पब्लिक ने सलमान खान की फिल्मों को आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिसके बाद सलमान खान की इज्जत टाइगर 3 भी नहीं बचा भाई। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर सुबह का भटका हुआ शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान फिल्म करने के बाद सलमान खान ने क्लियर बोल दिया है कि अब वो किसी भी ऐसी फिल्म में काम नहीं करेंगे जिसकी स्टोरी में दम ना हो, और अपने सभी करीबियों को वो अपनी फिल्म में तो लेंगे ही नहीं। बस यहीं से भाई की गलती में सुधार होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद अब सलमान खान चाहते हैं कि वो किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करे जिसकी स्क्रिप्ट में दम हो, जिसके लिए सलमान खान इन दिनों जवान फिल्म के डायरेक्टर एटली से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एटली ने सन 2023 में सबसे बड़ी फिल्म जवान को डायरेक्ट किया था, और अब एटली भी एक और खान के साथ काम करना चाहते हैं। और इन दिनों एटली सलमान खान, रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह से भी बातचीत कर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्मों के लिए। और एक इंटरव्यू के दौरान एटली से पूछा गया कि अब आपकी आगामी फिल्म किसके साथ आने वाली है, तब एटली ने कहा है कि मैं और मेरी टीम जो भी काम करते हैं वो लगभग सभी को पसंद आता है, इसलिए मैं देश के सभी बड़े सितारों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं, और मुझे भगवान के आशीर्वाद में एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छा विचार चाहिए, इसलिए जब एक बार ये काम हो जाएगा तो इसके बाद अन्य कदम मेरे लिए आसान हो जाएंगे। यानी एटली एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में है, जिसके बाद वो अपनी आने वाली फिल्म पर काम करना शुरू कर देंगे, और फिर मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट के बाद सलमान खान व रणबीर कपूर के साथ बहुत ही जल्द काम शुरू कर दूंगा। मुझे तो बस एक अच्छी सी स्क्रिप्ट का इंतजार है, और मैं एक डायरेक्टर हूँ, और जब भी मुझे कोई फीडबैक मिलता है तो मैं उसका दिल खोलकर स्वागत करता। मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर लोगों के विचार, उनकी प्रतिक्रिया और उसमें सुधार करना पसंद है, और जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान ही एक वह व्यक्ति है। जब हमारे दोनों के मन में एक साथ काम करने का विचार आया तो फिर मैं शाहरुख खान के पास एक स्क्रिप्ट लेकर गया, जिसके बाद शाहरुख खान ने फीडबैक दिया कि कैसे यह स्क्रिप्ट बड़ी हो सकती है और कैसे इस स्क्रिप्ट में एक्शन किया जा सकता है। और जवान फिल्म में बहुत सारे एक्शन इनपुट शाहरुख खान सर के हैं, और यह फिल्म मेरी और मेरी टीम के कई खूबसूरत विचारों से बनी है, इसलिए हम सभी इसे फिल्म निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। और अब मैं सलमान खान सर के साथ एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में हूं, और जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं सलमान खान सर के साथ स्क्रिप्ट को डिस्कस करूंगा, और फिर जो उनका फीडबैक मिलता है उस पर भी दिल खोलकर काम करूंगा, और मैं और मेरी टीम एक अद्भुत मनोरंजक फिल्म बनाने के लिए अपना दिल, अपनी आत्मा, अपना खून पसीना सब कुछ लगा देंगे। और अब एटली सर सलमान खान के साथ दबंग 4 के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में है, जिसमें चुलबुल पांडे के किरदार को आज के हिसाब से दिखाया जाएगा, जिसे आज की पब्लिक पसंद करे, क्योंकि सलमान खान भी ये चाहते हैं कि चुलबुल पांडे का किरदार आज के युवाओं को पसंद आना चाहिए। और इसी के साथ सलमान खान दबंग 4 फिल्म को एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं, जिससे दबंग 4 फिल्म को पूरे इंडिया और विदेशों से भी अच्छा प्यार मिले। और अब सलमान खान और एटली दबंग 4 की एक अच्छी स्क्रिप्ट के बाद एक साथ बहुत ही जल्द नजर आने वाले हैं, जिसमें चुलबुल पांडे एक नए अवतार में नजर आएंगे जो सबको हिला कर रख देंगे। जैसे जवान फिल्म में एटली ने शाहरुख खान को विक्रम राठौड़ के किरदार में प्रेजेंट किया था, कुछ उसी तरह के अवतार में दबंग 4 में चुलबुल पांडे का किरदार हमें देखने को मिलेगा। और आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।